के 370 के फैसले के बाद लगातार देश में जश्न का माहौल है, वहीं प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी लगातार जश्न मना रही है, उसको लेकर अगर देखा जाए कांग्रेस की भी राय लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या राय है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतोड़ी जी, जानते हैं सर। सर अगर देखा जाए 370 को लेकर जिस तरीके से अगर सरकार एक उपलब्धि बता रही है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तो इसका एजेंडा पहले दिन से था, आरएसएस का एजेंडा पहले दिन से था। इनको तो केवल कश्मीर अशांत नज़र आता है, लेकिन इनको कश्मीर राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये कांग्रेस भी मानती है। और निश्चित तौर पर 370 का विरोध किसने किया? अरे भाई, हमने तो पंजाब का आतंकवाद समाप्त किया इसी संविधान के तहत, हमने आसाम का आतंकवाद समाप्त किया इसी संविधान के तहत, नॉर्थ ईस्ट का अशांत क्षेत्र शांत किया इसी संविधान के तहत। तो आपको ऐसा क्या है? क्योंकि पहले दिन से इन्होंने तो अपनी कमिटमेंट पूरा किया ना, जो इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जब से बनी थी तो इनका एक ही एजेंडा था, उसको पूरा करने में ये कामयाब हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो इनका एजेंडा था, इससे देश को क्या मिलेगा? मैं तो तब इनकी नीयत को तब समझूंगा जब ये कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा जैसे अब तक रहा इसे बनाए रखने में ये मजबूत होंगे। सर, दो भागों में विभाजित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र शासित राज्य बनाया जाएगा, तो सर क्या कुछ रहने वाला है केंद्र शासित, क्या कुछ फायदे रहने वाले हैं इस बार? निश्चित तौर पर लेह लद्दाख को लाभ होगा इससे, क्योंकि हमारा चाइना बॉर्डर भी है, तो अगर लेह लद्दाख सेंट्रल यूनियन टेरिटरी बनता है तो उसको लाभ होगा। और इसको उन्होंने कोशिश की है कि विधानसभा विद यूटी करने का काम किया है जेएंडके को, ये ठीक है। हमारा ये कहना है कि आपकी नीयत में देश को एक और अखंड रखने की है तो हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश को एकता और अनेकता में विश्वास है, और कांग्रेस यही शुरू से